जय श्री राम दोस्तों, बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की, जो कि इस समय आपको 513 रुपए पर देखने को मिल रहा है। आज के दिन में 11 रुपए की तेजी नजर आई है। बात करेंगे 5 दिन की, तो 5 दिन में देखेंगे कितना प्रॉफिट रहा है। 3 रुपए का प्रॉफिट नजर आ रहा है 5 दिन के अंदर। बात करेंगे 1 महीने की, तो 1 महीने के अंदर 12 रुपए का प्रॉफिट है। साथ ही साथ बात करेंगे 10 साल में, 10 साल के अंदर 353 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन नजर आ रहा है। अगर स्टॉक की बात करेंगे हाई की, तो हाल ही में जो हाई नजर आया है, तो उसमें आप देखेंगे तो यहाँ 687 रुपए तक स्टॉक हाई देखने को मिला है। चलिए दोस्तों, तो बात करेंगे अभी इस स्टॉक के अंदर। अगर 6 महीने में देखेंगे तो स्टॉक के अंदर आपको 115 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन नजर आएगा। चलिए इसके साथ साथ बात करेंगे क्या कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है या फिर बोनस देने वाली है कंपनी, तो इन्हीं सब मुद्दों पर भी बात करेंगे। इसके लिए आप सभी को बने रहना होगा। आज के दिन में जो वॉल्यूम अभी तक ट्रेड हुए, 38,32,078 वॉल्यूम अभी तक ट्रेड हो चुके हैं। कल के दिन की ओपन प्राइस थी 505 रुपए की, आज के दिन कल के दिन की क्लोज प्राइस थी 501 रुपए की। एट प्राइस जो अभी देखने को मिल रही है 516 रुपए की। अपर सर्किट 551 का है, लोअर सर्किट 551 रुपए का देखने को मिला है। साथ ही साथ आज के दिन का सबसे लो 505 का है, आज के दिन का हाई 523 रुपए का नजर आ रहा है। अभी तक जो स्टॉक गए हैं उन पर अगर नजर डालेंगे तो यहाँ 167,000 है। अभी तक जो स्टॉक बेचे गए हैं उनमें आपको 7,78,000 स्टॉक देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ थोड़ा नीचे आएंगे और देखेंगे आउट परफॉर्मेंस, एक्सलेंट क्वालिटी, लो प्राइस एडिशन, एनलेस एयर वेरी वेल्स, तो इस सभी स्टॉक वुल्स एनलेस आर वेरी वुल्स। तो इसी के साथ साथ मूवमेंट, सेंटिमेंट, लो वॉल्यूम, क्वालिटी और वैल्यू, इनमें कितना कितना इस समय इनको अंक मिला हुआ है, इस पर एक नजर डालेंगे। पहले चार्ट पर नजर डाल लीजिए, इसके बाद हम बात करेंगे आज के दिन के सेक्टर एनालिस्ट के अंदर, तो आपको देखने को मिलेगा ओवर व्यूज के अंदर। मोमेंटम में 5 में से 4 अंक है, वैल्यू में 5 में से 4 अंक है, क्वालिटी के अंदर 5 में से 5 अंक, लो वैल्यू में 4 में से 5 अंक और सेंटीमेंट में 5 में से 5 अंक देखने को मिले हैं। इसी के साथ फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो की स्टेट मार्केट का मार्केट कैप बहुत ही शानदार है, 2,12,05 करोड़ का मार्केट कैप है। EPS 18 का है, बुक वैल्यू 36 की है, प्राइस अर्निंग 24 की है, इंडस्ट्री प्राइस अर्निंग देखने को नहीं मिल रही है, प्राइस बुक 13 का है। लॉन्ग टर्म डी की बात करेंगे तो 0.60 का नजर आ रहा है। ROE 55 का है और साथ ही साथ डिविडेंड कंप्लीट आपको बहुत ही तगड़े अनाउंस किए हुए हैं, 7.00% का देखने को मिला है। इसी के साथ सितंबर 2024 के अंदर टोटल रेवेन्यू 8,522 करोड़ रुपए का था, नेट प्रॉफिट 2,327 करोड़ रुपए का, प्रॉफिट मार्जिन 28.20 करोड़ रुपए का देखने को मिला है। मार्च 2024 के अंदर टोटल डेट टू इक्विटी 55.64 की नजर आ रही है। साथ ही साथ थोड़ा और नीचे चलेंगे तो 2024 के अंदर मार्च के महीने में ओपनिंग 13,340 से थी, इन्वेस्टिंग माइनस में 3,604 की करोड़ की देखने को मिली है, फाइनेंसिंग 2,940 करोड़ रुपए की नजर आई। प्रदीप सिंह इसके आपको चीफ HSHSF दिख रहे हैं आपको, या ऑफिसर कह सकते हैं। इसी के साथ टेक्नोलॉजी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर बुल्स मूविंग एवरेज 2 का है, बेरिस मूविंग एवरेज 14 रुपए का देखने को मिला है। इवेंट्स के अंदर चलेंगे, इवेंट्स में कंपनी ने अगस्त 2024 के अंदर आपको 19 रुपए का डिविडेंड दिया है। बोनस की बात करेंगे कंपनी के अंदर, तो बोनस 1 मिला था मार्च 07/2011 के अंदर, स्प्लिट भी हुआ है स्टॉक 07/2011 के अंदर, मार्च 08/2021 के अंदर। बोर्ड मीटिंग स्टॉक की अभी भी आपको नजर आ रही है। चलिए फिर से न्यूज के अंदर, तो यहाँ पर आपको लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट टू सपोर्ट मार्जिनिंग ऑफ द हिंदुस्तान जिंक स्टॉक्स, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है न्यूज। इसके साथ रिलेटेड कोई